धवल पाटिल ने क्वेश्चन पूछा है 8:31 PM को मुझे राइट साइड पर लाइट बियर्ड है, कंपैरेटिवली लेफ्ट साइड पर बहुत कम फेस पर पिंपल्स और स्कार्स भी है, इज इट एनी डेफिशिएंसी और लोकल स्किन प्रॉब्लम, हाउ कैन आई स्टिमुलेट बियर्ड ग्रोथ एज 20। ओके, अभी धवल जी आपने ऑलरेडी आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। देखिए आपकी एज 20 है, आपको 4-5 साल में बियर्ड आ जाएगा, एक साइड का आपका बियर्ड आया है, दूसरी साइड पे आपको फेस पे कम हेयर ग्रोथ है, तो उसके क्या रीज़न हो सकते हैं? नंबर वन रीज़न तो अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम होगा तो उसकी वजह से हो सकता है। सेकंड इज टेस्टोस्टेरॉन, आपका एक बार चेक कर लीजिए, CBC का रिपोर्ट कर लीजिए, टेस्टोस्टेरॉन चेक कर लीजिए, और थर्ड आपका B12 चेक कर लीजिए, B12 की डेफिशिएंसी की वजह से भी ऐसा बियर्ड ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकता है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका थायराइड चेक कर लीजिए, थायराइड के हार्मोन्स अगर आगे पीछे होते हैं तो उसकी वजह से भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए अभी रही बात एंड यस, आपने कहा है कि पिंपल्स और स्कारिंग, देखिए पिंपल्स की वजह से आपको बियर्ड कम आना ये तो नहीं होता है, जनरली बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पिंपल्स भी होते हैं और बियर्ड ग्रोथ भी प्रॉपर है, तो ये गलत रीज़न है। आपके फेस पर अगर स्कार्स भी होते हैं पिंपल के स्कार्स, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता बियर्ड ग्रोथ में, तो वो रीज़न नहीं है। फिलहाल तो आप कुछ सप्लीमेंट्स या कुछ ऐसे फूड ले सकते हो, जैसे कि बायोटिन के सप्लीमेंट्स अच्छे होते हैं, B12 के सप्लीमेंट्स और विटामिन सी के सप्लीमेंट्स अच्छे होते हैं। कौन सी स्पेसिफिक मेडिसिन लेनी है तो उसके लिए मैं आपको YouTube पर नहीं बता सकती, उसके लिए आपको प्राइवेट कंसल्टेशन करना होगा, जिसके ज़रिए मैं आपको एक प्रिस्क्रिप्शन दूंगी, तो उसमें मैं आपको मेडिसिन मेंशन करूंगी, तो वो आप ले लीजिए, तो उससे आपका बियर्ड ग्रोथ कम्प्लीटली ठीक हो जाएगा और यूनिफॉर्म हो जाएगा। एंड रिगार्डिंग योर पिंपल्स और स्कार टिश्यू, स्किन को क्लीन रखिए, एकदम साफ सुथरा रखिए, तो अच्छी तरह से हेयर ग्रोथ होगा। एक गलत मान्यता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर बियर्ड को ग्रो करना है तो शेव करो, तो इसलिए 13-14 साल के लड़के होते हैं वो पिताजी का जो शेविंग क्रीम और रेज़र होता है तो उससे हम लोग मूवीज़ में देखते हैं, ऐसे तो दिखने में बहुत क्यूट लगता है, लेकिन ये गलत बात है, ये मिथ है। अगर आप बार बार भी अपने फेस को शेव करोगे तो आपको बियर्ड ग्रोथ जल्दी या प्रॉपर आने वाला नहीं है। देर इज़ नो रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूसली शेविंग योर फेस एंड बियर्ड ग्रोथ, ओके? तो ये आप बिल्कुल मत करना, आपकी स्किन एक्सट्रीमली रफ़ हो जाएगी और स्किन डैमेज हो जाएगी, ओके? सो डोंट डू दैट।